हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन बुक स्टोर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डॉक्टर अमित किशोर की जो ये वस्तुनिष्ठ पुस्तकालय सूचना लाइब्रेरी साइंस की जो बुक है वो लेकर आई हूँ। जैसे आप सबको पता ही है कि अभी फ़िलहाल लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आई हुई है, वैसे ही उनकी बेस्ट प्रोफेशंस के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तकालय वस्तु सूचना की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी और बेस्ट बुक है। डॉक्टर अमित किशोर की जो ये बुक है पूछना है तथा इसका जो मैं आज आपके लिए इसका पूरा सिलेबस भी लेकर आई हूँ कि इस बुक में जो सिलेबस दिया हुआ है, पुस्तकालय सूचना विज्ञान के मूल आधार हैं, सूचना स्रोत एवं सेवाएं हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है, प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिए हुए हैं। तीन जो ये बुक है उसमें से मैं कुछ पेज आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे कि आप एनालाइज कर सके कि ये बुक आपके लिए बेस्ट है या नहीं, इसमें क्या सिलेबस है और क्या नहीं जो आपकी तैयारी के लिए बेस्ट हो सके। जैसे कि मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट में से कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, जैसे कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है। ऑप्शन फर्स्ट तृतीय सूत्र, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी यानी फोर्थ और ऑप्शन डी पंचम सूत्र। ऐसे ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं इस बुक से जिससे कि आप इस बुक के बारे में एनालाइज कर सकें। अगर आपको ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो आप जूम करके इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल को कर को कब तैयार किया। ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1969 में, 1979 में, 1972 में। इसका जो जैसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यूनेस्को ने सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल किस संशोधन किया गया, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जिससे कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि बुक बेस्ट है या नहीं। यह बुक डॉक्टर अमित किशोर की बुक है जो कि स्टूडेंट्स अमित किशोर जी की जो बुक है उनको पढ़ना बहुत ही अच्छे से और बेस्ट मानते हैं। जैसे कि यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CDROM की व्याख्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट टू ग्रेड लो एंड थर्ड ग्रेड लो, फोर्थ ग्रेड लो लावा एंड इसी प्रकार जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं और बुक के बारे में एनालाइज कर सकते हैं कि ये बुक आपके लिए बेस्ट है या नहीं। यह बुक आपको हमारी जो ऑनलाइन बुक स्टोर की साइट है वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से आप इस बुक को घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट बुक है प्रिपरेशंस करने के लिए, जिसमें से इस बुक में लगभग 300 से ज़्यादा पेज हैं। तो मैंने आपके लिए इसमें से कुछ 10 से 11 पेज सेलेक्ट किए हैं जिससे कि आप देख सकें और अपनी बेस्ट प्रिपरेशंस कर सकें। ये बुक आपको ऑनलाइन बुक स्टोर की साइट पर अवेलेबल हो जाएगी। जो इसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो है डॉक्टर अमित किशोर की जो ये बुक है, ये ऑनलाइन आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स पर अवेलेबल हो जाएगी। इसमें पूरा सिलेबस, प्रैक्टिस सेट, सारा कुछ जो मटेरियल होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारा सब कुछ इसमें किया कवर किया हुआ है। धन्यवाद।